हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है। रिलीज, व्हाट आर द डेक हियर? रिलीज। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी आउट हो गई है, क्योंकि देखिए ये टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है और ये फाइव ऑफ वेंड्स का कार्ड भी रिवर्स है। थर्ड पार्टी अभी आपकी लाइफ से जा रही है, ठीक है? आपकी भगवान ने सुन ली है, आपको आपके पार्टनर मिल रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे एंगेजमेंट मैरिज करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके पार्टनर उनकी तरफ आना चाहते हैं, और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू थे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिकवरी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है पार्टी अभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि आपने शायद उनको रिलीज कर दिया है और यूनिवर्स ने भी आपकी लाइफ से उनको निकाल दिया है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके साथ जो साइकिल थी उसकी एंड हो गई है, ठीक है, और वो लोग जो है आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं और आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। वैसे भी आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास में काफी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। आप अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दे रहे हैं, आप काफी जो है लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं और आप जिएंगे भी। आपके पास में सारी खुशियां होंगी जो कभी आप जो सोचते थे अपने बारे में कि मेरे पास ये होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स वो आपकी खुशियां पूरी कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकल रही है। अब थर्ड पार्टी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि काफी टाइम से बिजी रहते थे, बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की लाइफ में, लेकिन आपका बैलेंस नहीं बन रहा था, आप बहुत परेशान थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी अभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि आप अपने काम में बिजी रहती हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी में से निकल करके आपके पर्सन अभी आ रहे हैं, क्योंकि रिवर्स में आया है। अभी थर्ड पार्टी में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, अगर आपके पर्सन अभी तक आपके पास नहीं आए तो वो आपके पास आना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, बैक सपोर्ट आपको यूनिवर्स का मिल रहा है, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय हो चुकी है, ठीक है? अभी आप बार बार थर्ड पार्टी ना करें। जिनकी फैमिली मेंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो धीरे धीरे एक दो महीने में बिल्कुल ये आउट हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई उनमें से एक दो पर्सन अगर कोई रह भी गया बाद में पीछे और आपको उनसे सामना करना पड़ रहा है, तो भी आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ गए हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपको देखती है कि आप काफी नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप जो हासिल करना चाहते हैं वो कर सकती हैं, आपके पास में इतनी नॉलेज है। इसका थर्ड पार्टी को थोड़ा सा मलाल तो है कि आप पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती हैं, ठीक है? और या तो आप जीसस को मानते होंगे, या फिर जो है आप, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हैं, कुछ लोग वाहिगुरु को मानते होंगे, कुछ लोग अल्लाह को मानते होंगे, कुछ लोग भगवान शिव की पूजा करती होंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफी पूजा पाठ करती हैं, उसका फल आपको मिलने जा रहा है। इसी वजह से थर्ड पार्टी का ये कार्ड जो है लड़ाई झगड़े का ये रिवर्स में आया है। कई फैमिली मेंबर्स जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे, जो आपके पार्टनर को आपसे मिलने नहीं दे रहे थे, वो अभी आपकी लाइफ से आउट हो रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई गाइस कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है, बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है, ठीक है? जो अदर पर्सन है उनकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जिनकी लाइफ में फैमिली मेंबर्स है ना, उनकी लाइफ से तो थर्ड पार्टी आउट हो रही है। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए मैं और देखती हूँ कि थर्ड पार्टी की और क्या चल रहा है आपको लेकर के, ठीक है? थर्ड पार्टी आपको देखती है कि आपकी लाइफ में तो खुशियां आ रही हैं, आपकी लाइफ में तो बहुत ज्यादा खुशियां आप अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में रहते हुए इतना ज्यादा उनको थर्ड पार्टी ने पंगू बना दिया कि अभी वो इन चीजों को फेस करना ही नहीं चाह रही, इनसिक्योरिटी हो रही है कि पता नहीं मेरा दिल ना तोड़ दे मेरा पार्टनर, ठीक है? मेरी
इमेज खराब ना हो जाए, मेरी जो है इमेज खराब हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐसा सोच रहे हैं। मुझे भी कभी मेरा पार्टनर रिलीज ना कर दे, जैसे मेरी फैमिली को रिलीज कर दिया है आपने, मेरे व्यूवर्स ने, इसी तरह से आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में कह रहे कि भाई मैं क्या करूं, कभी मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर आगे ना निकल जाए, इनसिक्योरिटीज हो रही है उनको, ठीक है। और आपको देखते हैं थर्ड पार्टी, तो आप काफी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने बिजनेस में, जॉब में, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं उनको, उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा किस तरह से आगे बढ़ रहा है हमारी मदद के बिना। आपके पर्सन को भी इनसिक्योरिटी इसी वजह से हो रही है कि पता नहीं मुझे मेरा पार्टनर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। आपके पर्सन जो है वो डरे हुए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके कान भरे हुए थे, इसी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं आप मुझे फिर से रिजेक्ट ना कर दें, ऐसा आपके पर्सन जो है वो डर रही हैं, कहीं आप उनको रिलीज ना कर दें। दो दो कार्ड रिलीज किए आए हैं, कहीं आप उनको छोड़कर आगे ना निकल जाएं, आपके पर्सन को इस बात का डर सता रहा है, ठीक है, इसी वजह से वो थोड़ा टेंशन ले रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी को दुख इस बात का है कि भाई इसको तो ना हमारा बेटा या बेटी चाहिए, ना इसको हम चाहिए, ये तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, अब इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए किसी के मदर इश्यू भी थे, ठीक है, किसी के फादर इश्यू हो सकती हैं, जो उनके हो सकता है घुटनों में पेन हो या आंखों में प्रॉब्लम हो, और उसको बहुत दुख होता है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं उनके बगैर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको ये भी लगता है कि भाई इसके तो कोई है ही नहीं पीछे, इसीलिए ये हमें नहीं चाहता है या हमें नहीं चाहती, इसके तो मदर फादर कोई है नहीं। किसी की मदर हो सकता है एक्सपायर हो गई हो या फिर किसी के फादर नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस की किसी के दोनों भी हो सकते हैं कि नहीं हो, तो उनको ऐसा लगता है कि इसको किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है, इसके तो अपने तो कोई है नहीं और इसको तो किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है, देखो कैसे आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि पहले हो सकता है आप उनके कदमों में रहते हो, आप उनको बार बार पूछते हो कि भाई हमारे को ये काम करना है, आप हमें बता दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए, लेकिन अब इसको जरूरत ही नहीं है किसी की भी, तो उनको डर लग रहा है थर्ड पार्टी को, इसीलिए थर्ड पार्टी जो है वो सोच रही है कि अभी तो जो हमने जैसा इनके साथ में किया था ना, वैसा ही अब हमारे सामने आएगा और कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। इस वजह से थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से धीरे धीरे आउट हो रही है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन को इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि जैसे मेरे पेरेंट्स को इन्होंने छोड़ दिया, मतलब आप मेरे व्यूवर्स ने, तो मुझे भी शायद मेरा पार्टनर छोड़ देगा, क्योंकि आपने उनको पूछना बंद कर दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, अब आप उनसे कोई डिस्कस नहीं करते हैं, कोई बात उनसे शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आपके पर्सन घबरा रहे हैं कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं कि मैं क्या करूं, मैं मुझे जाना चाहिए अपने पार्टनर की तरफ, हो सकता है आए भी हूं आपके तरफ और उनको अभी भी लग रहा है कि भाई मेरा पार्टनर क्या पता कब मुझे धक्के मार के निकाल दे, कब मुझे जो है अपनी लाइफ से आउट कर दे, रिलीज कर दे, इस बात का डर आपके पर्सन को सता रहा है। क्योंकि आप पहले हर चीज के लिए अपने पार्टनर का सपोर्ट चाहते थे, हर चीज के लिए आप ऐसा उनको दिखाते थे कि आपके बिना तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, उनके फैमिली के बिना तो मेरी जिंदगी चलती नहीं है, ठीक है, हर चीज के लिए आप उनसे पूछताछ करते थे, लेकिन अभी आपने पूछना बंद कर दिया है, आप अपनी मस्ती में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, उनको दिखाते हैं कि भाई मैं खुश हूं तुम्हारे बिना भी, ठीक है। तो इस बात का जो है थर्ड पार्टी को बहुत डर लग गया है, और आपके पर्सन को भी कि भाई अब इसको तो कोई नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक है कि आपकी पर्सन या थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तो चलने वाले हैं चाल, ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे कि वो आपको फिर से अपने कदमों में झुकाएं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ में भगवान है, यूनिवर्स है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने लग रहे हैं, तो आपको डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है उनसे, इसी वजह से थर्ड पार्टी थोड़ा सा जो है घबराई हुई इसी है, और हो सकता है कोई ना कोई नई ट्रिक चले आपके खिलाफ, कुछ ना कुछ साजिश रचे, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कोई ना कोई ऐसी साजिश रच सकती है कि जिससे आपको फिर से उनके कदमों में झुकना पड़े, ऐसा भी मुझे यहाँ पर प्लानिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि गाइस की वैसा थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा रही है, क्योंकि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है, इस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि, और आपके पर्सन को पहले बहकाती थी बहुत ज्यादा, उनको गलत पट्टी पढ़ाती थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को खतरा लग रहा है, अपनी लाइफ का, अपने फ्यूचर का खतरा दिखाई दे रहा है, इस वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बहकावे में नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन जो हैं वो डरे हुए सहमे हुए से हैं कि पता नहीं अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि वैसे रियलिटी में उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है।
देखिए, आपके पर्सन पहले थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे, लेकिन ये अभी रिवर्स में आए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अभी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं कि अभी भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर अभी, जिनके साइन हो सकते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकती हैं, या फिर एरीज या सजिटेरियस लियो वर्गो, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं, या फिर जो है स्कॉर्पियो एक्वेरियस या कैंसर राशि हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो जो है अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। हो सकता है आप, मैंने बताया, कोई काम करते होंगे, कोई वर्क फ्रॉम होम करते होंगे, या फिर कोई बिजनेस अपने शुरू किया होगा, लेकिन आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास में काफी फाइनेंस है, आपको ऐसा देखते हैं कि आपके पास में तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और आप किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसको करके ही छोड़ते हैं। तो आपके पर्सन आपके प्रति काफी डेडिकेटेड भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई आपके जैसा पर्सन मुझे कहीं नहीं मिल सकता है, इसलिए वो आपके साथ में जो अभी तक बिहेव करते थे ना, जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे ना, अभी वो बदल रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको रियलाइज हो गए हैं, अभी उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। जो ऑप्शन उनके पास थे अभी उन्होंने सारे ऑप्शन अपने बंद कर दिए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिवर्स में आए कार्ड। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा पर्सन देखते हैं, मदरली नेचर देखते हैं, काइंड हार्टेड पर्सन देखते हैं। आप की लाइफ में कोई अपना चला गया है, बिछड़ गया है, फिर भी आप बड़े बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने रास्ता अपना चुन लिया है, यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब इस पाथ पर बढ़ना है तो बढ़ना ही है। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि भाई जिसको सहारे की जरूरत हुआ करती थी, आज इसके साथ में कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी ये पर्सन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई तो बात है ऐसी। और आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल भी दिखते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन आपको बहुत ही अच्छा पर्सन दिखते हैं, नॉलेजेबल पर्सन दिखते हैं, काइंड हार्टेड पर्सन दिखते हैं। आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं, और आप ही कोई मदद नहीं करता ये भी देखते हैं कि आप सबकी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं करता है। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है उसका दिल पिघलने लगा है आपके लिए। ठीक है, जिस चीज का वो वेट कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन काफी टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहा था, काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था कि ये पर्सन मेरे लिए सही भी है कि नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ इसके कान भरे हैं कि इसका करेक्टर खराब है, इसके पास मत जाना, तुम्हारी लाइफ को खराब कर देगा, इसको पैसे चाहिए खाली, इसको मकान चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हारी, और तुम्हें लूट कर खा जाएगा। इस तरह की मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि आपके बारे में थर्ड पार्टी ऐसा ऐसा आपके पर्सन को सिखाती रहती थी, जिस वजह से ये पर्सन जो है काफी टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा है कि इस पर्सन के अंदर चल क्या रहा है। अब उनको समझ में आ गया है कि इसको ना तो प्रॉपर्टी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ, और ना ये झूठ बोलता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ही प्योर सोल देखते हैं आपके पर्सन, और काफी टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने अपने ऑप्शन को क्लोज कर दिया है और अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ बात कर सकती हैं, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने तो मुझे छोड़ दिया है, अब मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर तो खराब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी पीक हो रही है कि आपके पर्सन को डर लग रहा है, खतरा लग रहा है, इसी वजह से वो इस पेनफुल साइकिल को एंड करके, जो आपकी पेनफुल साइकिल चल रही थर्ड पार्टी की वजह से जो चल रही थी, वो क्लोज करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने ऑप्शन सारे क्लोज करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास में अभी कोई रास्ता बचा ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये मौका अगर मेरे हाथ से निकल गया तो फिर मेरी जो है लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी के बहकाव में आकर के काफी साल आपके खराब कर दिए हैं। अभी वो नहीं चाहते कि वो आपसे ज्यादा दिन दूर रहें, और आप जो है अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि इस पर्सन को अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर ऐसा पर्सन मुझे कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको कोई लालच नहीं है, आप बहुत ही प्योर सोल हैं, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया है कि जो ये थर्ड पार्टी यानी कि उनकी फैमिली मेंबर्स या कोई अदर पर्सन जो उनको कान भरते थे, वो सब गलत है। आपने गलत साबित कर दिया है सबको, और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप जो प्योर सोल थे वैसे ही हैं आज भी, और मैं तो ये कहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही रहिए, किसी के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, किसी को आपके साथ में आना हो तो आओ, नहीं आना है तो अपना रास्ता नापो, कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए आपको बुरा बनने की। इसलिए मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को समझ में आ गया कि इतना अच्छा पर्सन मुझे फिर कहीं नहीं मिलेगा, इतना अच्छा पर्सन, इतना काइंड हार्टेड पर्सन। आप काफी सेंसिटिव भी हैं, आप लोगों की बहुत दिल से मदद करते हैं,
ठीक है, तो इतना अच्छा पर्सन उनको कहाँ मिलेगा। तो अब आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं इस साइकिल को क्लोज करके, और ये जल्दी आपकी साइकिल जो है वो क्लोज हो जाएगी, जो आपकी अभी पेनफुल साइकिल चल रही थी अभी आपकी न्यू स्टार्ट होगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो हम देख लेते हैं। वो फैमिली के अलावा जिनसे मिल रहे थे उनके ऑप्शन अभी उन्होंने बंद कर दिए हैं। आपके पर्सन को अपने करने का पश्चाताप है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करने लग रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने वो पावर दे दी है, मैजिशियन की पावर उनके अंदर है अभी फिलहाल। जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहेंगे अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो खुशियां आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके पर्सन भी और आप भी। ठीक है, यहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ के साथ अभी आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपके साथ में बहुत बुरा किया है और एक सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने दोनों ने जो झेला है ना उसका रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स देने जा रहा है। इस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे और एक सॉलिड एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके जैसा पर्सन उनको कहीं नहीं मिलेगा। किंग ऑफ वेंड्स और क्वीन ऑफ वेंड्स, आप एक अच्छे कंपेटेबल पार्टनर बनेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप दोनों ही एक अच्छे कंपेटेबल पार्टनर हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट एक दूसरे के, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी यूनियन जरूर होगी, आपकी रीयूनियन मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप टेंशन ना लें, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन को खतरा लग रहा है अपनी रिलेशनशिप का, रेड फ्लैग्स उनको दिखाई दे रहे हैं कि अभी अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लिखा उसको प्रेस कर दीजिए, और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।